हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, वीडियो में जानेंगे घरेलू उपचार के बारे में और साथ ही जानेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और यह समस्या अधिकतर महिलाओं में होती है। थायराइड की अगर बात करते हैं तो यह दो प्रकार की होती है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दो प्रकार की थायराइड होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करते हैं तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में T4 और T3 हार्मोन्स अधिक रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आता है। T4 और T3 की वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी काम होता है बहुत जल्दी होने लगता है, जैसे घबराहट होना, चिड़चिड़ा होना, बॉडी का वजन कम होना, हाथ और पैरों में कंपन होना, बालों का झड़ना, ऐसी कुछ समस्या होने लगती है इसमें, जिसे थायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करते हैं तो इसमें TSH हार्मोन सिक्रेट होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH के मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो स्पीड से काम करने लगते हैं, वजन बढ़ना, याददाश्त कम होना, कंफ्यूजन होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आयोडीन की मात्रा बढ़ना, इस प्रकार से हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म काम करता है। इसके ब्लड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो इसके तीनों ब्लड टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। ये तीनों ब्लड टेस्ट है जिससे पता चलता है कि बॉडी में कितनी थायराइड बढ़ी है या घटी हुई है। इसके कारण जान लेते हैं कि आखिर यह थायराइड होती क्यों है। तो ये इसका मुख्य कारण है अधिक तनाव रखना, टेंशन लेना, आयोडीन की मात्रा कम ज़्यादा होना बॉडी में, ये सब इसके कारण है, जैसे हमारी बॉडी में थायराइड की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इसके बहुत सारे इलाज है, जैसे घरेलू उपचार, मेडिसिन, ऑपरेशन, ऐसे इसके बहुत सारे उपाय है जिससे हम इसको थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर दुख भी होगा कि अगर इतने सारे इलाज होने के बावजूद भी इस बीमारी को हम पूरे जीवन अपने साथ में लेकर चलेंगे, इस बीमारी को परमानेंटली हम बॉडी से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये कम ज़्यादा हो सकती है। इसका कारण है हमारे थायराइड ग्लैंड का बिगड़ना। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड अगर बिगड़ गई है तो हम इसे वापस सुधार नहीं सकते, सिर्फ इस पर कंट्रोल ही कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड को सुधारने के लिए डॉक्टर आर्टिफिशियल थायरोक्सिन का यूज़ करते हैं, जिसमें मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जाता है। जान लेते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय जिससे इसमें थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण गाय के दूध में मिलाकर पीने से यह समस्या खत्म हो सकती है। अगर आप दूध के साथ में अगर इसको नहीं पी सकते हैं तो आप अश्वगंधा की जड़ और पत्ती को पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं। आप मुलेठी का भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर ट्राइटरपेनोइड एसिड पाया जाता है, जो कि आपको थायराइड को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह से लें, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई दवा का यूज ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको थायराइड के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।